नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजन ज्ञान चैनल में। तो एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ आइसर का डीजल इंजन, जो कि मल्टीपर्पज़ इंजन होता है। इसमें आप अल्टरनेटर लगा के जनरेटर बना सकते हैं, इसे पंप में लगा सकते हैं, पानी के पंप में लगा सकते हैं, पग मिल में लगा सकते हैं, राइस मिल में लगा सकते हैं, आटा चक्की में लगा सकते हैं, इसमें हलर लगा सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ इंजन है ये, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सबसे ज़्यादा माइलेज देता है, सबसे कम तेल खाने वाला इंजन है। सबसे पहले इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका जो प्राइस है अभी करंट रेट है 86,000 रुपया इंक्लूडिंग टैक्स, 86,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग टैक्स। तो जिन भाइयों को भी आइसर इंजन लेना होगा तो अपने नज़दीकी डीलर से जाके वो परचेस कर सकते हैं 14 HP का इंजन। हर ज़िले में आपका आइसर इंजन का डीलर होता है, तो अपने नज़दीकी ज़िले का जहाँ भी आपका मार्केट है वहाँ पर जाकर आइसर के डीलर से मिले और आप वहीं से परचेस कर सकते हैं आइसर का इंजन। हर ज़िले में आइसर का डीलर होता है, अपने नज़दीकी डीलर से ही आइसर का इंजन परचेस करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। तो इंजन के बारे में सारा डिटेल में बता देता हूँ कि इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में मैं सारा डिटेल से आपको बता देता हूँ। मॉडल जो इसका है 143 ES है, RPM 1500 है, सिलेंडर 1 है, बोर MM में 100 है, स्ट्रोक MM में 125 है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट CC में 981 है, कंप्रेसर रेशियो 17 ± 0.5 है, गवर्निंग टाइप क्लास A1 है, इंजेक्शन प्रेशर 240 है, BHP की जैसा कि मैंने बताई दिया कि 14 BHP का ये इंजन है, RPM 1500 है, हाई आइडल RPM 1560 है, लो आइडल RPM 800 है, SFC 157 है, कूलिंग सिस्टम एयर कूल्ड है, रोटेशन का जो टाइप है एंटी क्लॉकवाइज ही इंजन घूमेगा, स्टार्टिंग हैंडल से भी स्टार्ट कर सकते हैं और सेल्फ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत पैनल दिया हुआ है। एयर क्लीनर इसमें जो लगा हुआ है, हेवी ड्यूटी ऑयल बाथ एयर फिल्टर है, टैपेट क्लीयरेंस इनटेक का 0.10 thou है, एग्जस्ट का 0.15 thou है, बैटरी जो इसमें लगेगी 12 volt 75 Ah की बैटरी लगेगी, टोटल ऑयल कैपेसिटी 5 liter की है सब में, एयर क्लीनर में जो ऑयल आएगा आपका वो 0.5 liter आएगा, फ्यूल टैंक 12.5 liter का है, फ्यूल टैंक 12.5 liter का है, वजन जो इस इंजन का है वो है 250 kg, इसका जो हाइट लेंथ ऊंचाई है वो 634 × 736 × 1046 mm है। इसमें जो फ्यूल फिल्टर लगेगा वो 0.5 liter का लगेगा, लूब ऑयल फिल्टर इसमें 0.5 liter का लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं लूब ऑयल फिल्टर स्पिन ऑन टाइप का है, उसे आपको हमेशा बदल के नया लगाना पड़ेगा, लेकिन डीजल फिल्टर कार्टेज टाइप का है, इसका हाउसिंग साफ़ कर देना है और इसमें आपको डीजल फिल्टर लगा के बंद कर देना है ओरिंग लगा के। और ये आपका फीड पंप हो गया, जो फीड पंप आप देख रहे हैं डीजल फिल्टर के ऊपर ही लगा हुआ है, और इसमें सारे कनेक्शन किए गए, एक डीजल टैंक से पाइप आ रहा है, दूसरा आपके पंप में जा रहा है, एक ओवरफ्लो पाइप है, और ये आप देख रहे हैं डीप स्टिक, तो डीप स्टिक के जस्ट नीचे ही आपका ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर 0.5 liter का लगा हुआ है। तो जब भी सर्विस आप करें ऑयल फिल्टर को बदल दें। और ये इसका डीजल फिल्टर हो गया, जो कि बॉस कंपनी का हाउसिंग लगा हुआ है, बॉस कंपनी का हाउसिंग लगा हुआ है, इसमें 0.5 liter का कार्टेज वाला फिल्टर आएगा। और ये जो पाइप आप काला वाला देख रहे हैं ये ओवरफ्लो पाइप है, यहाँ से तेल जितना भी आपके पंप में जाता है उसके बाद जो तेल बच जाता है वो सीधा आपके टंकी में वापस आ जाता है, और फ्यूल जलने के बाद जो तेल बच जाता है इंजेक्टर से वो भी सीधा आपके टंकी में आ जाता है, कहीं भी वेस्ट नहीं होता है। और आपके पंप से जो ये हाई स्पीड डीजल वाला जो पाइप गया सीधे आपके नोज़ल में गया है, उसी के बगल में आपका ओवरफ्लो पाइप है जो सीधा आपके टंकी में वापस तेल आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में। और आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका ड्रेन प्लग कहाँ है। ये इसका ड्रेन प्लग है, यहीं से आप लूब ऑयल ड्रेन करेंगे, और हमेशा यहाँ पे रिंग स्पैनर का यूज़ करें, सॉकेट का यूज़ करें, कभी भी फिक्स पाने का यूज़ ना करें। फिक्स पाने यूज़ करने से क्या होता है कि नट का जो थ्रेड है वो ख़राब हो जाता है, तो हमेशा रिंग स्पैनर का यूज़ करें, अच्छे से खुलेगा और अच्छे से टाइट होगा। तो हमेशा
जब आप ड्रेन प्लग खोलते हैं तो लगाते समय उसमें थोड़ा सा टैपलोन लगा दें, उसके बाद लगाएं। और ये इसका लीवर हो गया जहाँ से इंजन स्टॉप होता है, जो रेड वाला आप देख रहे हैं खींचने का जो लीवर है, जहाँ पे इंजन जहाँ से एडजस्ट करेंगे उसी के बगल में ही आपका स्टॉपिंग का भी लीवर है, यहीं से इंजन को खींच के आप बंद करें फिर आराम से छोड़ दें। और ये आपका नेम प्लेट हो गया, जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंजन में नेम प्लेट होता है, तो 14 HP के इंजन में जो आपका फ्लाईव्हील का जो हाउसिंग है उसके ऊपर नेम प्लेट दिया हुआ है, तो वहाँ से सारा डिटेल आप इंजन का पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आगे 2 बोर्ड लगेंगे फाउंडेशन में और पीछे 2 बोर्ड लगेंगे फाउंडेशन में, और आपके फ्लाईव्हील में 6 बोर्ड लगेंगे एलिंकी टाइप, जिससे आप अपने कपलिंग को टाइट कर सकेंगे। और ये फ्यूल टैंक जो 12.5 लीटर का, उसमें ड्रेन प्लग दिया हुआ है, अगर बाय द वे आपका फ्यूल टैंक गंदा हो जाता है या उसमें पानी आ जाता है, तो आप वहाँ से ड्रेन प्लग दिया हुआ है खोल के साफ करें और फिर अच्छे से उसे टाइट कर दें, अच्छे से टाइट करें, नहीं तो वहाँ से लीकेज वगैरह होगा। ये आपका फ्लाईव्हील जो टाइट किया गया, बड़ा सा नट लगा हुआ है और 6 बोल्ट आपके फ्लाईव्हील में लगते हैं, जब भी आप कपलिंग वगैरह कुछ भी लगाएंगे तो 6 बोल्ट लगेगा। और जो आपका फ्यूल टैंक का जो नीचे फाउंडेशन है उसमें 4 बोल्ट लगे हुए हैं, 2 लेफ्ट 2 राइट साइड लगे हुए हैं। और ये आपका ब्रीदर हो गया, तो ब्रीदर का जो काम होता है वो होता है इंजन में जो बची हुई गैसेस होती हैं, जो गैस उसमें पैदा होती है उसे ब्रीदरिंग करके निकालना होता है। तो ब्रीदर में हमेशा देखिएगा हल्का हल्का गैस निकलता रहता है, कभी भी ये जाम ना हो इसका ध्यान रखिएगा, कुछ उसमें घुस ना जाए इसका ध्यान रखिएगा, वो हमेशा उसमें से हल्का हल्का धुआं निकलता रहना चाहिए इस। और ये आपका इंजन का इंटेक मैनिफोल्ड हो गया, दूसरे साइड में आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हो गया जहाँ से आपका साइलेंसर लगा हुआ है, और ये आपका एयर फिल्टर का ब्रैकेट हो गया जिसमें आपका एयर फिल्टर टाइट है, और दूसरा आपके लिफ्टिंग हुक लगी हुई है जो बहुत ही मजबूत क्वालिटी का है। और ये आपका एयर फिल्टर हो गया, हमेशा एयर फिल्टर को साफ करते रहें, डस्ट कभी भी कुछ भी आ जाए तो एयर फिल्टर खोल के ऊपर से उसका डस्ट निकाल के झाड़ दें। और ये आपका ब्लोअर हो गया, ब्लोअर का काम होता है जो आपका फिन्स है, क्योंकि एयर कूल्ड इंजन है, फिन्स को ठंडा करना और फिन्स के रास्ते से जो गर्म हवा होती है उसे बाहर निकाल देना। इधर से ब्लोअर ठंडा हवा देता है और दूसरे साइड से गर्म हवा वो निकल जाती है, तो इंजन को आपके इंजन को ब्लोअर ठंडा करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो ब्लोअर को ड्राइव मिलती है वो आपके बेल्ट से मिलती है, बेल्ट आपके पुल्ली से घूमता है, जिससे आपको चार्जिंग ऑल्टरनेटर को भी ड्राइव मिलती है और आपके ब्लोअर को भी ड्राइव मिलती है, तीनों एक साथ में घूमते हैं। और उसके नीचे, ब्लोअर के नीचे आपका 12 वोल्ट का जो आपका सेल्फ है वो लगा हुआ है, उसके नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग ऑल्टरनेटर लगा हुआ है। तो इस इंजन को लेने से एक फ़ायदा तो ये है कि मान लीजिए कि आप बैटरी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बैटरी ख़राब हो गया, चोरी हो गया, हैंडल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और बैटरी से सेल्फ स्टार्ट तो है ही, तो ये बहुत ही तगड़ा इंजन है। इसे कोई मतलब लेडी भी स्टार्ट कर सकती है, कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बच्चा भी स्टार्ट कर सकता है। नहीं तो हैंडल वाला इंजन लेने से क्या होता है कि आप हैंडल मारने में बहुत लोग डरते हैं कि चोट लग जाएगा, तो हर कोई हैंडल वाला इंजन स्टार्ट नहीं कर सकता है। तो इस हालत में आप आइसर का इंजन ले सकते हैं जो सेल्फ स्टार्ट और हैंडल स्टार्ट दोनों आपको मिलता है, और सबसे कम तेल खाने वाला इंजन है, तो कहना ही क्या है कि तेल इतना आपको बचा के देगा कि आपको टेंशन ही नहीं किसी बात की, आपका सर्विस का पैसा ऐसे ही निकल जाएगा हर बार। और सामने कवर लगा हुआ है सेफ्टी के लिए, जो बेल्ट के ऊपर बहुत सारे इंजन में नहीं आ रहा था, बट इस बार आया हुआ है, और इसका प्राइस मात्र 86,000 रुपया है इंक्लूडिंग टैक्स। तो अगर अभी आप जाके अपने नज़दीकी डीलर से परचेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कितना शानदार इंजन है ये। मल्टीपर्पज़ इंजन है, तो आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जो पैनल लगा हुआ है उसमें आपका लूब ऑयल प्रेशर का इंडिकेटर देगा, बैटरी का इंडिकेटर देगा, इसमें टेम्परेचर गेज लगा हुआ है और एक RPM मीटर लगा हुआ है, उसमें आपका आवर भी बताएगा। और ये आप देख रहे हैं कि लाइनर के ऊपर आप टेम्परेचर गेज या स्विच जो भी बोले, टेम्परेचर स्विच लगा हुआ है जिससे आपके मीटर में वो आपको रीडिंग शो करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि बेल्ट के ऊपर ही बेल्ट का नंबर होता है, तो इसे नए में लिख लें, बाकी कभी भी आपका बेल्ट टूट जाता है या ख़राब हो जाता है तो बदल दे। बेल्ट एक भाई ने अभी क्या किया कि बेल्ट टूट गया फिर भी इंजन चला दिया, तो बेल्ट टूटने के बाद आपको इंजन नहीं चलाना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके इंजन का बेल्ट हमेशा चलता रहे, कभी भी टूटे ना। अगर टूट गया तो इंजन ना चलाएं, अगर आप इंजन चला देंगे तो आपका इंजन सीज होना ही होना है। तो अभी नया इंजन था उनका और उन्होंने बेल्ट का ध्यान नहीं दिया, बेल्ट टूट गया और उन्होंने चला दिया और इंजन का सीज हो गया, जिसकी वजह से वो वारंटी में था, फिर भी कंपनी ने उसे वारंटी नहीं दी।
तो जब तक वारंटी में इंजन है तो आप उसे बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि आपको वारंटी लेना होता है, नहीं तो अगर आपकी गलती होगी तो कंपनी वारंटी नहीं देती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जैसा भाई के साथ हुआ कि उन्होंने बेल्ट का ध्यान नहीं दिया, बेल्ट टूट गया, फिर भी इंजन चला दिया और इंजन उनका सीज हो गया, तो इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी ने उन्हें वारंटी नहीं दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।